अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम सलाम। सर जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमने क्लास को आगे शुरू करना है और कल से वैसे आपने एकेडमी आ जाना है, क्लास आपकी यहाँ पे सर होगी। दो मिनट वो बाबर सर दो मिनट वो बाबर मेहमानों के साथ बैठा हुआ बोल के आता है, बस 2 मिनट। ओके ओके। तो आपका जो होमवर्क है आपने मुझे अभी सेंड नहीं किया मेरे ख्याल में। सर अभी करता हूँ। होमवर्क में सेंड कर दीजिएगा क्लास के बाद, या भी कर दें या फिर तो खैर क्लास के बाद कर दीजिएगा। तो कल तो वैसे रेगुलर क्लासेस शुरू हो जानी यहाँ पे इंशाल्लाह, यकम जनवरी 2021। कल की क्लास के बारे से मसला तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ कल आपको? कल की क्लास क्लियर थी ना आपके लिए? कोई इश्यू तो नहीं आया? जी अरशद और उमर, सर कोई मसला नहीं है सर, 1 सेकंड में आपको वो कल वाला होमवर्क सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। कर दें कर दें, वो मैं चेक कर लूंगा अभी क्लास के बाद। ठीक है, सर बस 2 मिनट वो आते ही है, उनके साथ बैठा हुआ दुआ सलाम कर रहा है तो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी आ गए आप। जी सर। तो आज जो क्लास को आगे लेके जाना है, आज आपका आखिरी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, कल आपके टेंस कंप्लीट हो गए, 11 टेंस आपके हो चुके हैं कल। क्यों भाई जी सर। अरशद उमर और बाबर, आज हमारा 12वां टेंस है, आखिरी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जमाना फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। जी इसकी लिखें तारीफ, उर्दू में फिर इंग्लिश में, फिर आपको सिखाना है। सर 1 सेकंड।
जी शुरू करें। जी सर। लिखें तारीफ। इस जमाना में किसी काम का, इस जमाना में किसी काम का आने वाले वक्त में किसी मखसूस मुद्दत या वक्त से जारी करने के बारे में सोचा जाता है। इस जमाना में किसी काम का आने वाले वक्त में किसी मखसूस मुद्दत या वक्त से जारी करने के बारे में सोचा जाता है। डैश के बाद है वर्ब की चौथी हालत या शक्ल का इस्तेमाल होता है। वर्ब की चौथी हालत या शक्ल का इस्तेमाल होता है। डैश प्रोनाउन द सब्जेक्ट्स यानी ही शी इट और दे यू के साथ विल हैव बीन, बी डबल एन विल हैव बीन का इस्तेमाल बतौर अमदादी फेल होता है। प्रोनाउन या सब्जेक्ट प्रोनाउन के द साथ सब्जेक्ट यानी ही शी इट और दे यू के साथ, प्रोनाउन द सब्जेक्ट यानी ही शी इट और दे यू के साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल बतौर अमदादी फेल होता है। विल हैव बीन को लिखें आप कोमास के अंदर, इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखें। आगे है डैश के बाद प्रोनाउन द सब्जेक्ट यानी आई और वी के साथ शेल हैव बीन का इस्तेमाल बतौर अमदादी फेल होता है। प्रोनाउन द सब्जेक्ट यानी आई और वी के साथ शेल हैव बीन का इस्तेमाल बतौर अमदादी फेल होता है। मखसूस या मुकर्रर मुद्दत के लिए फार का इस्तेमाल होता है। मखसूस सर प्रोनाउन या सब्जेक्ट यानी आई वी आई और के वी के साथ साथ शेल हैव बीन का इस्तेमाल बतौर अमदादी फेल होता है। मैं दोबारा बोल दूंगा आपको, एक बार फिर ना रिवाइज करा दूंगा आपको। अभी आप जो चीज मिस हो गई आप कर सकते हैं उसको बाद में भी। आगे है मखसूस या मुकर्रर मुद्दत के लिए फार का इस्तेमाल होता है जबकि मुकर्रा या मखसूस वक्त के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। फार या सिंस का मतलब से है, सीन बड़ी है। से भी लिखें आप कोमास के अंदर, सीन बड़ी है। इस टेंस की पहचान के लिए जुमला के आखिर में रहता होगा, रहती होगी, रहते होंगे या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह का इस्तेमाल सर जरूरत के मुताबिक होता है। मैं जी सर मेरी राइटिंग स्पीड थोड़ी कम है, थोड़ा आहिस्ता मैं दोबारा बोल रहा बोलें। हूं, सुने सुने, मैं शुरू से फिर बोल रहा हूं और फिर शुरू से दोबारा नहीं सर, बोलूंगा। एक सेकंड मैं में। सुने सुने, एक मिनट सुने, फिर मैं दोबारा बोलूंगा। एक दफा मैं बोलूंगा फिर दोबारा बोलूंगा ताकि आपके वर्ड्स जो जुमले कंप्लीट हो जाएं। शुरू से बोल रहा हूं मैं। शुरू से बोल रहा हूँ आप, ठीक है, जुमले का अगर कोई नाम मुकम्मल है तो कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं दो दफा बोलूंगा शुरू से लेकर आखिर तक, जी सर आप बोले। शुरू से लेकर आखिर तक। इस जमाना में किसी काम का आने वाले वक्त में तवील मुद्दत या वक्त से जारी करने के बारे में सोचा जाता है। वर्ब की चौथी हालत यह शक्ल का इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन या सब्जेक्ट्स यानी ही शी इट और दे यू के साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल बतौर अमदादी फेल होता है। प्रोनाउन या सब्जेक्ट्स यानी आई और वी के साथ शेल हैव बीन का इस्तेमाल बतौर अमदादी फेल होता है। मखसूस या मुकर्रर मुद्दत के लिए फार का इस्तेमाल होता है।
मखसूस या मुकर्रा वक्त के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। फार या सिंस का मतलब से है। इस टेंस की पहचान के लिए जुमला के आखिर में रहता होगा, रहती होगी, रहते होंगे, रहता होगा या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं शुरू से। इस जमाना में किसी काम का आने वाले वक्त में किसी मखसूस मुद्दत वक्त से जारी करने के बारे में सोचा जाता है। वर्ब की चौथी हालत या शक्ल का इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन द सब्जेक्ट यानी ही शी टू दे यू के साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल बतौर अमदादी फेल होता है। प्रोनाउन द सब्जेक्ट यानी आई और वी के साथ शैल हैव बीन का इस्तेमाल बतौर अमदादी फेल होता है। मुकर्रर या मखसूस मुद्दत के लिए फार का इस्तेमाल होता है। मुकर्रर या मखसूस वक्त के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। फार या सिंस का मतलब से है। इस टेंस की पहचान के लिए जुमला के आखिर में रहता होगा, रहती होगी, रहते होंगे या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक होता है। ये आपका है टेंस। मैं कंप्लीट हो गया, कर लिया होगा आपने। कोई रह गया तो फिर भी मुझे बता दो। जी नो सर, कंप्लीट हो गया सर। इंग्लिश वाला जो है थोड़ा आहिस्ता बोलने। हाँ, इंग्लिश में आपको तीन दफा बोलूंगा जैसे मैंने ये बोला है, ठीक है, उर्दू में। लेट यू स्टार्ट नाउ। इफ वी थिंक टू स्टार्ट एनी वर्क कंटिन्यूसली इन कमिंग टाइम फ्रॉम स्पेसिफिक पीरियड और टाइम देन इट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फुल स्टॉप। सर स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या है? हेलो सर, फ्रॉम स्पेसिफिक टाइम फ्रॉम स्पेसिफिक पीरियड 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 और टाइम फ्रॉम स्पेसिफिक पीरियड और टाइम। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, इंग्लिश में मैंने नहीं लिखी थी। एक मैं फिर भी बोलूंगा, दो दफा और बोलूंगा मैं। देन इट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं फिर बोल रहा हूँ शुरू से। इफ वी थिंक टू स्टार्ट एनी वर्क कंटिन्यूसली इन कमिंग टाइम फ्रॉम स्पेसिफिक पीरियड और टाइम देन इट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको फिर बोल रहा हूं मैं शुरू से। इफ वी थिंक टू स्टार्ट एनी वर्क कंटिन्यूसली इन कमिंग टाइम फ्रॉम स्पेसिफिक पीरियड और टाइम देन इट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फुल स्टॉप। वी यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस टेंस फुल स्टॉप। वी यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस टेंस फुल स्टॉप। वी यूज विल हैव बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब विद प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट्स ही शी इट एंड दे यू। वी यूज विल हैव बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब विद प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट्स ही शी इट एंड दे यू फुल स्टॉप। वी यूज शैल हैव बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब विद प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट्स आई एंड वी। वी यूज फॉर एज अ स्पेसिफिक पीरियड फुल स्टॉप। We use for as a specific period. We use since as a specific time.
लिख लिया आपने? जी सर। ओके, रह गया पार्ट तो मैं बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ शुरू से। सर सर मेरा वी यूज शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब विद एज अ हेल्पिंग वर्ब विद प्रोनाउन और सब्जेक्ट विद प्रोनाउन और सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स आई एंड वी। इसके आगे सर मेरा हो रहता है जी, वी यूज फॉर एज अ स्पेसिफिक पीरियड, वी यूज फॉर एज अ स्पेसिफिक पीरियड फुल स्टॉप। सर एक सेकंड लिखता हूं, वी यूज फॉर एज अ स्पेसिफिक पीरियड फुल स्टॉप, वी यूज सिंस एज अ स्पेसिफिक टाइम, वी यूज सिंस एज अ स्पेसिफिक टाइम। डन? यस। अब इसका लिखें आप फार्मूला, अभी आपको सिखाना भी है, फिर इसकी एक दो एग्जांपल्स भी कर लेंगे आज, बाकी एग्जांपल इंशाल्लाह हम कल करेंगे, कल आप वैसे भी यहाँ पे होंगे सारे। तो इसका लिखें फार्मूला, सब्जेक्ट ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फार ऑब्लिक सिंस प्लस पीरियड ऑब्लिक टाइम। सर जी, जब हम फोर सिंस लिख देते हैं, फोर ऑब्लिक सिंस, तो फिर पीरियड और टाइम लिखने की क्या जरूरत है? क्या मतलब भाई? देखें, फार का मतलब होता है से, सिंस का मतलब है से, ठीक है भाई? आप मुद्दे का जिक्र नहीं करेंगे, कितनी मुद्दत, कितना वक्त, वन ईयर है, टू ईयर्स है, टाइम मॉर्निंग है, इवनिंग है। ओके ओके सर। सर सब्जेक्ट प्लस जी, ये फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस पीरियड ऑब्लिक प्रोनाउन। देखें मैं रिपीट करता हूँ फार्मूला, सब्जेक्ट ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस पीरियड ऑब्लिक टाइम। फॉर से आपकी पीरियड आ जाएगी और सिंस से आपका टाइम आ जाएगा। इसकी एग्जांपल फोर्थ फॉर्म फॉर्म वर्ब के बाद प्लस जी, इसकी एग्जांपल लिखे ना आप, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। दो एग्जांपल लिखे हैं ताकि अभी समझाता मैं भी आपको। मैं एग्जांपल शुरू करें इसकी, ही विल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस, ही विल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस for 3 years, he will have been going to office for 3 years, वो 3 सालों से दफ्तर जाता रहता होगा या वो 3 सालों से दफ्तर जा रहा होगा। दूसरी एग्जाम्पल लिखें, I shall have been reading a book since morning, मैं सुबह से किताब पढ़ता रहता हूँगा या पढ़ रहा हूँगा। I shall have been reading a book since morning, ये आपके दो एग्जाम्पल हैं फॉर्मूला की रोशनी में है। हो गया क्लियर? लिख लिया आपने?
डन सर, डन हो गया। देखिए अब आपको समझाना है कि टेंस है क्या। फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल, आने वाला वक्त। परफेक्ट का मतलब मुकम्मल है, कंटिन्यूस का मतलब जारी है, टेंस जमाना है, जमाना फेर मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। आपने सोचो में एक काम को आने वाले वक्त में या आने वाले किसी मखसूस मुद्दे के वक्त से सोचो में आपने उसको जारी कर दिया है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि सोचो में आपने काम को शुरू भी कर दिया और जारी भी कर दिया और बहुत आगे निकल गए आप इसमें सोचो में। यही आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं सुबह से दफ्तर जो है जा रहा हूंगा, तो यह मतलब यह कि आपने वो टाइम भी आपने सोचो में टाइम से आपने काम जारी कर दिया है, शुरू कर दिया है, तो काम करते हुए काफी टाइम हो गया आपको, ठीक है ना। सोचो में वो टाइम तो भी आया नहीं, लेकिन सोचो में आपने काम को शुरू भी कर दिया है और जारी भी कर दिया है किसी मखसूस जो है मुद्दत से या किसी मखसूस वक्त से। मुद्दत नहीं तो वक्त होगा, वक्त नहीं तो मुद्दत होगी, एक चीज होगी लाजमी। फिर इसके बाद जिस टेंस में कंटिन्यूस आ जाएगा वर्ब ज्योति फॉर्म का इस्तेमाल लाजमी है, मैंने पहले बताया था आपको। फिर इसके बाद प्रोनाउन द सब्जेक्ट्स ही शी और दे यू के साथ विल हैव बीन के इस्तेमाल पर अमदादी फेल है, जबकि प्रोनाउन द सब्जेक्ट्स यानी आई हैव वी शैल हैव बीन के इस्तेमाल पर अमदादी फेल है। अब आपने जो पिछला टेंस आपका जो आपने सीखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल किया था आपने, यहां पर सिर्फ आपने बीन का इजाफा करना है, बी डबल ई एन हेल्पिंग वर्ब आपका जो है विल हैव बीन और शैल हैव बीन हो जाएगा। मखसूस मुद्दत के लिए फार का इस्तेमाल है, जबकि मखसूस वक्त के लिए सिंस का इस्तेमाल है। फार सिंस का मतलब से है, टेंस की बजाय जुमला क्या बनाता होगा, रहती होगी रहते होंगे या रहा होगा रही होगी रहे होंगे, वगैरह का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक होता है। ये अभी चीजें सारी वो पुरानी चीजें आ गई हैं इसमें, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी ये मामला है, फार सिंस का इस्तेमाल उधर भी है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी इस्तेमाल है फार सिंस का, लेकिन जमाने बदल गए। वो एक हाल का वक्त था, एक माजी का था और ये आने वाला वक्त है, ये ख्याल करना है। लेकिन फार सिंस तीनों टेंसेज में लाजमी है इस्तेमाल करने हैं आपने। आखिरी टेंसेज जो है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फार्मूला इस पर गवाह है, सब्जेक्ट ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फार ऑब्लिक सिंस प्लस पीरियड ऑब्लिक टाइम। ही विल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 3 years, आई शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। ये जी आपके एग्जाम्पल्स। अगर कोई बात समझ नहीं आई है तो मुझसे पूछो, बात समझ नहीं आई। जी सर डन है। ओके क्लियर हो गया मामला। तो जी ये जो टेंस आपका है, तीनों टेंसेज आपके जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि तीनों टेंसेज के जो आखिरी टेंसेज हैं ये लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको पहले बता दूं, इन क्योंकि इंग्लिश के फार्मूले हैं तो इनको सीखना जरूरी है आपके लिए। सर कहाँ इस्तेमाल नहीं होते? लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज शुरू होने वाली आगे बहुत जल्द, ठीक है ना। स्पोकन ये शुरू होने वाली, टेंस इस्तेमाल नहीं होते लैंग्वेज में, उसमें बहुत ही होते हैं तो बहुत ही कम इस्तेमाल है, ना होने के बराबर थी, माटे में नमक के बराबर है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के फार्मूले हैं लेकिन सीखना आपके लिए जरूरी है। बाद आपके टेस्ट में आ जाते हैं ये टेंसेस। आप CSS के टेस्ट में बैठे हुए हैं, ऑफिसर बनने के लिए आप बैठे हुए हैं CSS के एग्जाम में, तो वहां ये सवाल आ सकता है कि डिफाइन टू फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, नॉलेज इज नॉलेज। जब 12 फॉर्मूले इंग्लिश के हैं तो 12 के 12 ही सीखने हैं आपने, ठीक है ना। मैं तो आपको यूज बता रहा हूं लैंग्वेज में, वो ज्यादा जो यूज है वो 9 टेंसेस का है, इनका इस्तेमाल ना होने के बराबर, लेकिन क्योंकि इंग्लिश के फार्मूले तो है ना, ये इनसे हम इनकार नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। इंग्लिश जबान के फार्मूले हैं, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। ऐसे कई ऐसे फार्मूले होते हैं जो मैथमेटिक्स में, कई फार्मूले ऐसे होते हैं जो हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन फार्मूले तो हैं, कहीं ना कहीं को जरूर इस्तेमाल करना पड़ जाता है,
ठीक है ना, ये है सारा मामला। अब हमारा दूसरा जो फेज है, दूसरा पार्ट क्लास का है, वो है वोकैबुलरी। शुरू करें? जी सर। तो ये कल जी सर करवाएं, कल मुझे होमवर्क मुझे कल क्लास में आप चेक करा देंगे आके, ठीक है ना, मुझे सेंड नहीं कीजिएगा ये होमवर्क। ओके ओके सर। हाँ, कल क्लास में आके तीन बार चेक करा दीजिएगा मुझे आप। इसी टाइम पे आपकी क्लास होगी, 3 से 4 ही टाइम है आपकी क्लास का एकेडमी में। बल्कि जब कल वाला काम भी कल ही क्लास में चेक करा दीजिएगा, जो आपने कल जो काम मैंने कल की क्लास का, ठीक है ना, क्लास में चेक कर लेंगे जरिए। जरा जी आप शुरू करें, जरा कभी की तरफ आ जाए। एक वर्ड है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट में होता है नकल, यानी कि कोई चीज बनी है उसकी नकल बना ली, डुप्लीकेट बना ली। फोटोस्टेट जो होते हैं ये डुप्लीकेट होती है, आप जब फोटोकॉपी करवाते हैं तो ये डुप्लीकेट होती है। ओके, चीज तो वही है लेकिन नकल है, कॉपी है, डुप्लीकेट। और एक वर्ड है फेसर, एक वर्ड है फेसर जिसे कहते हैं बेरूपिया, जिस बंदे के कई रूप होते हैं उसे कहते हैं जी ये बेरूपिया है, उसका आपको जज नहीं कर सकते, बंदे को जज नहीं कर सकते, आप कहते हैं ये बंदा फेसर है, इनके इसके कई रूप हैं, आपको जज नहीं कर सकते किसी को, ये फेसर है, फेसर बेरूपिया, फेस चेहरा से फेसर है, फेस चेहरा फेसर बेरूपिया। अच्छा, इसके बाद स्टेप कहते हैं कदम, स्टेप कदम। और एक वर्ड होता है इन हरी, जल्दी में उसने इन हरी एक गलत फैसला कर लिया, जल्दी में उसने गलत फैसला कर लिया, इन हरी जल्दी में। और एक वर्ड होता है डिसीजन, फैसला, डिसीजन, ये है फैसला, डिसीजन, DECISION, डिसीजन है फैसला। इन हरी सर फैसला, जल्दी फैसला, जल्दी में, जल्दी में, इन हरी का मतलब होता है जल्दी में, इन का मतलब में होता है, हरी जल्दी, इन हरी, इन हरी उसने जो है रॉन्ग डिसीजन लिया, गलत फैसला किया, इन हरी का मतलब जल्दी में है सर, डिसीजन पहले किया हुआ है, किया हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है, इसको फिर हटा दें, इसको हटा देते हैं, इन हरी, ये कर लिया आपने, फॉरवर्ड हो गए हैं, कर लिए जी सर। चलें आगे चलते हैं, अच्छा एक वर्ड होता है ऑपोजिट, मुखालिफ, ये आपके ऑपोजिट है, कहते हैं ना भाई आप इसे बात ना करें, ये आपके मुखालिफ है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट कहते हैं मुखालिफ। और एक वर्ड है अगेंस्ट, ये आपके अगेंस्ट है, आपके खिलाफ है या मुखालिफ है, एक ही मतलब दोनों का है, मुखालिफ या खिलाफ, ऑपोजिट, ये आपके ऑपोजिट, आपके अगेंस्ट है। एक वर्ड होता है स्लोगन, नारा, स्लोगन कहते हैं नारा, जैसे सियासी पार्टी का नारा होता है कोई ना कोई, स्लोगन नारा, मोटो भी है नारा, मोटो। और इसके बाद है हमारे पास एक और वर्ड है अप्रूवल, मंजूरी, क्या आपका लेटर जो है वो अप्रूवल के लिए गया हुआ है, मंजूरी, अप्रूवल। सर अगेंस्ट के बाद क्या है? अगेंस्ट के बाद है स्लोगन, SLOGAN, स्लोगन है नारा, मोटो भी नारा है, अप्रूवल है मंजूरी।
चलिए आगे। सर मोटो के बाद क्या है? मोटो मोटो नहीं है, मोटो मोटो मी वाली पार्टी वो मोटो अप्रूवल आगे है, अप्रूवल मंजूरी। सर मोटो का मीनिंग क्या है? नारा, वही है नारा ही है ना। चले आगे। जी सर। एक वर्ड होता है मार्क, निशान। सर अप्रूवल का मैंने क्या था? किसका जी? अप्रूवल मंजूरी, मंजूरी कहते हैं, मंजूर करना है, मंजूरी होता है। मार्क है निशान, साइन भी कहते हैं, साइन निशान अलामत, साइन एस आई जी एन, जी सैने लिखते हैं बोलते नहीं है, साइन निशान अलामत। डॉक्यूमेंट एक वर्ड है, डॉक्यूमेंट कहते हैं सनद, सनद या कीमती कीमती कागज, डॉक्यूमेंट जिसके बड़ी आप इतिहास रखते हैं, जैसे आपकी डिग्रियां हो गई वो डॉक्यूमेंट है। सेफ्टी एक वर्ड है, हिफाजत, सेफ्टी हिफाजत, और एक वर्ड है प्रोटेक्शन, वो भी है हिफाजत, प्रोटेक्शन भी है। सर डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग नजर नहीं आ रहे। डी ओ सी डी ओ सी यू एम ई एन टी डॉक्यूमेंट, डी ओ सी यू एम ई एन टी डॉक्यूमेंट, सेफ्टी प्रोटेक्शन भी हिफाजत है, प्रोटेक्शन भी हिफाजत है, प्रोटेक्शन। डिपॉजिट एक वर्ड है, डिपॉजिट आप बैंक में जाते हैं तो पैसे डिपॉजिट करते हैं, इसका मतलब होता है सुपुर्द, सुपुर्द करना। सर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बाद क्या है? हवाला करना। डॉक्यूमेंट के बाद है सेफ्टी, सेफ्टी एस ए एफ ई टी वाई, सेफ्टी, सेफ्टी के बाद है प्रोटेक्शन, ये भी हिफाजत है। डिपॉजिट डी ई पी ओ एस आई टी, डिपॉजिट हवाला करना, सुपुर्द करना। हवाला करना, सुपुर्द करना, डिपॉजिट। 15 वर्ड आपके हो गए हैं, ये आपने 3 टाइम आपने करना है होमवर्क, ये कल चेक कराना है आपने क्लास में आके, कल का काम और आज का काम दोनों चेक करूंगा कल मैं। लिख लिया आपने? ये लिख लिया जी सर, लिख लिया। अब इनको जरा प्रैक्टिस कर लें, मुझे उर्दू बताएं, मैं आपको इंग्लिश बोलूंगा ताकि आपको बोलना आए, ताकि लैंग्वेज शुरू होने वाली है आपकी बड़ी जल्दी इंशाल्लाह, तो स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज आपको मसला ना पेश हो कोई किसी किस्म का भी। जी शुरू करें जी, कौन बोलेगा? अरशद आप बोलें, उर्दू में बोले इंग्लिश बताता हूँ साथ साथ ताकि आपको इम्प्रूव हो। नकल, नकल है डुप्लीकेट। उसके बाद बहरूपिया, क्या है बहरूपिया? बहरूपिया फेसर। उसके बाद जल्दी में, इनहरी, इनहरी मुखालिफ, अगेन ऑपोजिट, दूसरा वर्ड है अगेंस्ट,
नारा नारा है स्लोगन अप्रूव वो मंजूरी मंजूरी अप्रूवल निशान अलामत मार्क दूसरा है साइन सनत कीमती कागजात डॉक्यूमेंट हिफाजत ये है सेफ्टी दूसरा है प्रोटेक्शन सुपुर्द हवाले डिपॉजिट ओके यस सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्लास में आज सब क्लियर हो गया आपको यस सर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी अकेडमी में इंशाल्लाह आपसे तो क्लास को खत्म करते हैं क्योंकि मसला तो पूछ लें नो सर ओके डू गुड ओके इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी क्लास इज गोइंग टू एंड नाउ गॉड ब्लेस यू विश यू गुड लक अल्लाह हाफिज़